बारिश पूरी दिन होते रह जाती है और चिड़िया की मोमोज नहीं बिक पाते। तभी टूनी चिड़िया की बेटी चिड़िया से कहती है, मम्मा आज तो एक भी मोमोज नहीं बिके। तभी चिड़िया कहती है, हाँ बच्चों, जब मैं बेचने पहुंची थी तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी चिड़िया का बेटा कहता है, मम्मा अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो आप कल भी मोमोज नहीं बेच पाएंगी। तभी चिड़िया कहती है, नहीं मेरे बच्चों, ऐसा ना बोलो, भगवान करे कल का मौसम साफ हो और मैं मोमोज बेचने जा सकूं। ऐसे बातें कर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम वैसा का वैसा ही था। मम्मा, मम्मा, तोते अंकल कल बोल रहे थे कि ये बारिश पूरे एक हफ्ते तक रहेगी। एक हफ्ता? ये तो बहुत दिन है। ऐसे में तो जो भी रुपए जमा हुए हैं, वो सभी घर के काम में खत्म हो जाएंगे। मुझे कैसे भी करके मोमोज बेचने होंगे। फिर वो चिड़िया परेशान होकर बारिश में ही घर से बाहर ऐसी जगह खोजने लगती है जहां वो बारिश में भी मोमोज बेच सके। फिर अचानक से टूनी को ख्याल आता है, क्यों ना मैं एक पत्तों का छोटा सा ढाबा बना लूं, जैसे पहले के पक्षी पत्तों का घर बनाया करते थे। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करती है और सुंदर सा ढाबा बना लेती है और अपने घर चली जाती है मोमोज तैयार करने। घर पहुँच कर मोमोज तैयार कर लेती है और तभी अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, मैंने एक छोटा सा पत्तों का एक ढाबा बनाया है। अब वहाँ आराम से सारे पक्षी बैठ कर मोमोज खा सकते हैं। तभी उसका बेटा कहता है, सच में आपने पत्तों का ढाबा बना लिया? मैंने तो किताबों में पढ़ा था। अब हम सब आपके साथ चलते हैं और पत्तों का ढाबा देखते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने साथ बनाए हुए मोमोज और अपने बच्चों को लेकर ढाबे में चली जाती है। बारिश के मौसम में चिड़िया के गर्म गर्म मोमोज की खुशबू दूर दूर तक जाती है। कुछ ही देर में टूनी के ढाबे में भीड़ लग जाती है और मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी सबको मोमोज देती है। तभी टूनी का बेटा कहता है, मम्मा, मम्मा, हमारे सारे मोमोज खत्म हो गए और ये देखे पूरे 500 रुपए की कमाई हुई है। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, हम सब घर जाके मोमोज फिर से बनाकर लाते हैं। इस बार बारिश के मौसम में खूब कमाई होगी। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी ढेर सारे मोमोज बनाकर लाती है और पत्तों के ढाबे में सभी पक्षी खुशी खुशी खाते हैं। इस तरह से टूनी चिड़िया की कमाई बहुत अच्छी हो गई और टूनी चिड़िया का पत्तों का ढाबा फेमस हो जाता है। फिर वो खुद का भी घर ले लेती है और अपने बच्चे और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।